नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वर्षा। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है बैकुंठपुर से, जहां पर अवैध पत्थर का खनन जो है वो लगातार जारी है। वन विभाग द्वारा वन भूमि पर सड़क निर्माण किया जा रहा है और हाथ से तोड़े गए पत्थर का सड़क निर्माण में उपयोग किया जा रहा है। विभाग के आला अधिकारियों को खनन की जानकारी नहीं है। अवैध खनन से राजस्व के साथ पर्यावरण को भी क्षति पहुंच रही है और अवैध रूप से बड़ी मात्रा में पत्थर खनन जारी है। बैकुंठपुर वन मंडल रेंज का ये पूरा ही मामला है। तो बैकुंठपुर इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर वन मंडल में पत्थर का अवैध खनन जारी है। वन विभाग द्वारा वन भूमि पर सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है और हाथ से तोड़े गए पत्थर का सड़क निर्माण में उपयोग किया जा रहा है। वहीं इस बात की जानकारी जो है वो विभाग के आला अधिकारियों को नहीं है और अवैध तरीके से ये खनन जारी है और इस अवैध खनन से राजस्व के साथ पर्यावरण की भी क्षति पहुंच रही है। बैकुंठपुर वन मंडल रेंज का ये पूरा ही मामला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, पत्थर का अवैध खनन किया जा रहा है, क्या कुछ कार्रवाई में निकला अभी तक सामने? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक जो हम वन मंडल में गए, वन मंडल में ये बताया गया कि एसडीओ जेनी ग्रेस कुजूर द्वारा कि ये पूरी की पूरी जानकारी उनके संज्ञान में नहीं है। और जो देवगढ़ में रोड बन रही है, देवगढ़ में पूरा का पूरा जो उपयोग किया जा रहा है वो हैंडमेड गिट्टी और हैंडमेड पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है, जो कि बगल में ही कटकोना में एक खदान, अवैध खदान से खोदा जा रहा है। अरुण, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो अधिकारी हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं है, तो क्या उनको किसी भी जनप्रतिनिधि ने उनको इस जो खनन चल रहा है इस बारे में अवगत कराया है? इस संबंध में तो जानकारी नहीं किसी जनप्रतिनिधि ने उनको अवगत कराया है, लेकिन अगर देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ा मामला है। और जो बगल के कटकोना में ही बगल की खदान से जो यह उत्खनन हो रहा है और वहां पर जो उत्खनन कर रहे हैं ग्रामीण, उनका कहना है कि यह जो पूरा का पूरा उत्खनन है और यह उत्खनन देवगढ़ में बन रही रोड में यह पत्थर लगाए जाएंगे। जी अरुण, तो अब आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी जब ये अधिकारियों को इस बात की जानकारी लगेगी, तो क्या कुछ कार्रवाई अब आगे सामने देखने को मिलेगी? अब इस संबंध में तो आगे चल करके यह देखना होगा कि अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं या कार्रवाई नहीं करते हैं, कि यह तो भविष्य की बातें हैं। और अधिकारी की जानकारी में आने के बाद वह कितना कार्रवाई कर पाएंगे इस मामले में, यह तो वही बता पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो बैकुंठपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर वन मंडल में पत्थर का अवैध खनन जो है वो लगातार जारी है और बताया जा रहा है कि वन विभाग द्वारा ही वन भूमि पर सड़क निर्माण कराया जा रहा है और हाथ से तोड़े गए पत्थर का जो सड़क निर्माण में उपयोग हो रहा है, और वहीं इस बात की जानकारी विभाग के आला अधिकारियों को नहीं है। अवैध खनन से राजस्व के साथ पर्यावरण की भी क्षति हो रही है और बड़ी मात्रा में पत्थर का खनन जो है वो जारी है। बैकुंठपुर वन मंडल रेंज का ये पूरा ही मामला हम आपको बता रहे हैं।